सभी किसान भाइयों का नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बैंक पर। दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं श्री गंगानगर के पदमपुर क्षेत्र के अंदर, खेत में आए हुए हैं। आप देख रहे हो सरसों की एक अनोखी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर गुच्छे के अंदर फलियां लगी हुई हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सभी ब्रांचेस के अंदर इसके अंदर गुच्छों के अंदर फलियां लगी हुई हैं और ये देखने में बहुत ही आकर्षक लग रही है और बहुत स्वस्थ भी। हम इस सरसों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर कितना उत्पादन आता है, कितना इसके अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है, किस तरह के क्षेत्र में इस सरसों को हम लगा सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी के लिए सरसों बढ़िया रहेगी, क्या इसका उत्पादन आता है, क्या इसका झाड़ निकलता है, तो इन चीजों के बारे में आज वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो के अंदर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी किसान भाई इस वीडियो से जुड़ सके। अगर आपके किसी प्रकार के कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो कि एक आम सरसों है, साधारण सरसों है, जैसे कंपनी की जो पैकेट की सरसों आती है उससे ये किस प्रकार अलग है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसके अंदर गुच्छे लगे हुए हैं, ये आपको मैं दिखा, आप देख सकते हैं ये पौधे के अंदर लगभग भी 8 से 10 ब्रांचेस हैं और ये इतना मजबूत तना है इसका और झुकने की इसमें शिकायत नहीं है। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं गुच्छे के अंदर फलियां लगी हुई हैं, एक ब्रांच के अंदर कम से कम भी 20-25 गुच्छे लगे हुए हैं। मुख्य खास बात होती है सरसों के अंदर, अगर हमारी सरसों के अंदर तेल की मात्रा अच्छी है तो तेल की मात्रा के हिसाब से ही वो हमारा सरसों है जो उसका भाव लगता है। बात करें इसके अंदर तेल की मात्रा कितनी रहती है, सरसों के अंदर जो तेल की मात्रा है वो लगभग भी 40 से 45% तक रहती है। पिछले साल हमने इसका लैब टेस्ट भी करवा के देखा था तो इसके अंदर 45% तक हमें ऑयल देखने को मिला था। लैब अच्छी होगी तो आपकी सरसों का जो रेट है वो कहीं ना कहीं 300-400 रुपए ऊपर लगेगा, कम नहीं लगेगा। उत्पादन के अंदर लोगों को संशय रहता है अभी इसका उत्पादन कितना निकल जाता है। फार्मर का कहना है हमने पिछले साल ये सरसों पिछले साल भी लगाई थी तो जो उसका औसतन उत्पादन आया था लगभग आप 1 एकड़ के अंदर 16 से लेके 18 क्विंटल तक 1 एकड़ के अंदर उत्पादन इसका आ जाता है। सरसों के अंदर अगर नुकसान होता है तो सरसों की फसल को पाले से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मैं देख पा रहा हूँ, मैंने फलियां भी खोल के देखी है, मैं आपको फली खोल के भी दिखा दूंगा। जो ये सरसों है इस सरसों के अंदर हम बात करें तो पाले से नुकसान की तो इसके अंदर पाले से बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। सारा खेत मैं देख के आया हूँ, पूरा खेत मैंने देखा है। इस खेत के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की भी, नॉर्मल जो सरसों है आसपास की उसके अंदर फंगस के रोग देखने को हमें मिले हैं, लेकिन इस खेत का हमने पूरा प्रशिक्षण किया है, पूरा खेत देखा है हमने, आप भी देख सकते हैं, आपको इसके अंदर फंगस के रोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। और जो फलियां हैं, फलियां भी इसमें भरपूर मात्रा में गुच्छों के अंदर लगी हुई। बात हो गई सरसों की वैरायटी के बारे में, गुच्छेदार सरसों के बारे में, इसके अंदर क्या खासियत है मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं किस तरह के क्षेत्र में लग जाएगी। तो लास्ट ईयर हमें जैसे फार्मर्स के मैसेज आए थे, बात की थी हमने उनसे और अभी भी हमने बात की तो उन्होंने बताया भी हमारे क्षेत्र के अंदर ये सरसों अच्छी लगी हुई है, जैसे सभी प्रकार की मृदाओं के लिए, मिट्टी के लिए ये सरसों उपयुक्त रहेगी, इसको कोई अलग से प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ता है। अभी फार्मर से हमारी बात हुई थी तो फार्मर ने हमें बताया था भाई हमने इसमें नॉर्मल खाद पानी दिया है, सरसों के अंदर लगभग भी इसके अंदर 2 से 3 पानी उन्होंने दिए हुए हैं और कोई अलग से इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है, बीज के छोड़ दी इसका उत्पादन। फार्मर बोल रहा है भाई इतनी शानदार खड़ी है भी, लोग आते जाते इसको देख के जाते हैं। भी फार्मर ने कम से कम भी 10 एकड़ बीज ये लगा रखा है, आप पीछे देख पा रहे हैं ये पूरा 1 एकड़ का एक सीधी लाइन है। अगर किसी किसान भाई को इच्छा हो भी मैं ये बीज लगाना चाहता हूं अपने क्षेत्र के अंदर तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हम फार्मर का नंबर दे देंगे, फार्मर से आप बात कर सकते हैं और फार्मर से पूछ सकते हैं भाई ये बीज हमें आप प्रोवाइड करवा दोगे। फार्मर से मेरी बात हुई थी, फार्मर ने कहा था भाई हमारे पास ये बीज, पहली बात तो हमारे आस पड़ोस वाले ले जाते हैं, अगर फिर भी बचेगा तो हम कोशिश करेंगे भी सभी फार्मर तक पहुंचाएं इस बीज को। अगर कोई किसान भाई बीज लेना चाहे तो आप नंबर दे दूंगा मैं फार्मर का डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और बीज अपने क्षेत्र में मंगा सकते हैं और बिजाई कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। और आपके किसी प्रकार के कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।